महाराष्ट्र में सियासी महाभारत चल रहा है और ऐसे में एक नया ट्विस्ट आ गया है। दरअसल जो शिवसेना के नेता हैं यशवंत जाधव के खिलाफ शिवसेना के शाखा प्रमुख ने ही शिकायत दर्ज कराई है। क्या शिकायत है, मेरे साथ खुद शिवसेना के जो शाखा प्रमुख विष्णु सिरके जी मौजूद हैं। क्या शिकायत है, क्या हुआ था और क्या कंप्लेन आपने दर्ज कराई है? महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, मुंबई में क्या चल रहा है, कैसे इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिख रहा है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव का, ये सब जनता देख रही है। जनता मूर्ख नहीं है, इन्होंने ही उनको चुन कर दिया है। और ये जो चल रहा है, ये भाईकल्ला में भी चल रहा था, तो इसके खिलाफ जो मैंने निषेध का जो पोस्ट डाला था भाईकल्ला में, वो फेसबुक पे डाला था और व्हाट्सएप पे शेयर किया था, तो उसका उन्होंने इतना इशू कर दिया कि उन्होंने व्हाट्सएप पे कॉल कर मुझे गाली देना चालू कर दिया। हाँ, यशवंत जाधव जो एक्स स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, उन्होंने गाली देना चालू कर दिया माँ के ऊपर से, और बहुत गंदी मतलब गंदी गालियाँ। तो भी मैं अपना पेशेंस नहीं खोया, मैंने उनको बोला सर आप शिवसेना के उपनेते इसीलिए मैं आपको ट्रीट कर रहा हूँ वेल, बी केयरफुल अबाउट दैट। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया लेकिन मैंने अपना आपा नहीं खोया, लेकिन वो गाली दे रहे थे देते भी, उसके बाद भी रुके नहीं, मार डालूंगा तुझे, काट डालूंगा तुझे, फेंक डालूंगा, यही सब लैंग्वेज यूज कर रहे थे। और उसके बाद आगे जाकर कि मैं अभी पावर में नहीं हूँ, जिस दिन पावर में आऊंगा तुझे मैं दिखाऊंगा तेरी क्या हशा हो सकती है, क्या तेरी बैड कंडीशन हो सकती है। तो ये जो है पीपल रिप्रेजेंटेटिव से हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, और ये शाखा प्रमुख के साथ हो रहा है। शाखा प्रमुख इज समथिंग लाइक वेरी इंपॉर्टेंट इन शिवसेना, और ये शाखा प्रमुख के साथ हो रहा है तो ये सामान्य शिवसेना के साथ क्या कर सकते हैं, यू कैन नॉट इमेजिन। लेकिन क्या आपने फिर क्या शिकायत मुख्यमंत्री को कुछ जानकारी दी, मुख्यमंत्री ने इसमें दखल दिया है? मुख्यमंत्री साहब ने पूछा कि विनोद तूने किस प्रकार के कंप्लेंट किए, तो मैंने बोला साहब मैंने ऐसे ऐसे प्रकार से ईमेल किए हैं सब ऑफिसर्स को, हायरार्की बताई मैंने, सीएम ऑफिस, होम मिनिस्टर, सीपी, जॉइंट सीपी, क्राइम लॉ एंड ऑर्डर, पूरा सीनियर तलक बताया उनको प्रोसीजर। तो बोले विनोद ईमेल नहीं, आज के आज मुझे ये सब जो कंप्लेंट्स है वो राइटिंग में देनी चाहिए और इसके ऊपर क्या एक्शंस होनी चाहिए वो मैं बात करता हूँ। तो आप गृहमंत्री से मिले हैं, गृहमंत्री ने उस पर साइन वगैरह भी किया है, और क्या कहा है गृहमंत्री? आप देख सकते हैं कि इस लेटर पे उन्होंने लिखा हुआ है क्लियरली कि जो इन्वेस्टिगेशन हो इन्वेस्टिगेशन फास्ट करे और इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन ले। उन्होंने कुछ लेटर वगैरह मुंबई पुलिस को देने को कहा है? हाँ, ये जो लेटर जो है जो कमेंट कर दिया है, आप देख सकते हैं कि उनका स्टैंप भी है, दिलीप वैसे पाटिल साहब का स्टैंप है जो यहाँ पर के अपने महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर है कैबिनेट के, उन्होंने कमेंट कर दिया है सीपी के नाम से कि टेक इमीडिएट इन्वेस्टिगेशंस एंड द एक्शंस। एक और सवाल कि जो ये जो फोन पे आप बता रहे हैं कि धमकी उन्होंने दी थी, कब दिया था ये? कल की बात है, कल शाम को 6:58 का टाइमिंग था, उस टाइम पर उन्होंने धमकी दी थी। मांग क्या है आपके? इसके अगेंस्ट जो स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो एज पर द लॉ, ताकि ये आगे जाकर किसी को धमकी ना दे, और ये जो क्रिमिनल मेंटेलिटी है वो यहाँ पर ही रुके और कोई कार्यकर्ता सफर ना हो इसके बाद। तो जाहिर तौर पर यशवंत जाधव जो कि इनकी पत्नी यामिनी जाधव शिवसेना से ही विधायक हैं और इस वक्त शिंदे ग्रुप के साथ वो गुवाहाटी में मौजूद हैं, यानी कुल मिलाकर यशवंत जाधव ने जो फोन पर धमकी देने का आरोप उनके ऊपर है, इस मामले में गृहमंत्री ने खुद दखल दिया है। मुंबई के कमिश्नर को साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में अधिकारी नियुक्त करें, इसकी जांच कराई जाए और अगर सही पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। कैमरा दिग्विजय के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ इंडिया, मुंबई।